अटैक कुछ नरेंद्र मोदी ने किया है। आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर महिलाओं के महिला के सम्मान में राष्ट्रीय महिला परिषद मैदान में महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय महिला परिषद मैदान में महिलाओं के सम्मान में जय श्री राम। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के हमारे जो संस्थापक है डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, तो इनके माध्यम से हमने आज जैसे कल 14 तारीख कल जो 17 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, तो जो नराधामों ने किया है दिल्ली में, तो इसके अंदर में आज हमने कैंडल जलाए है और हमारा विरोध है कि वह ऐसे कब तक की चलेगा, कब तक की महिलाएं जैसे एसिड होगा, एसिड अटैक हो गया, जैसे किसी ने जला दिए, किसी के टुकड़े हो गए, तो कब तक के महिलाओं के ऊपर ये सब चलता रहेगा। अगर ऐसा हो जाए तो लेडीज़ अगर समझो दुर्गा माँ अगर बन गई ना, तो फिर इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए कैसा ये लोग अभी काबू में आना चाहिए और हमारा ऐसा कहना है कि जैसे एसिड अटैक है तो एसिड ही बैन होना चाहिए ताकि ऐसे अटैक ना हो। मैं ये ऐसे दो शब्द बोलती। जय श्री राम। जिस प्रकार से देश के अंदर आपको पता है कि कल एक 17 साल की बच्ची के ऊपर दिल्ली के अंदर एसिड अटैक हुआ, इसी प्रकार से देश के अंदर विविध जगहों पर आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण महिला की सुरक्षा के ऊपर आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है। तो इसलिए डॉक्टर प्रवीण जी तोगड़िया इनके नेतृत्व के अंदर महिला सुरक्षा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और महिलाओं को राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के माध्यम से कटार दीक्षा दी जा रही है, जो कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र साबित होगा। और महिलाओं ने महिलाओं के अंदर शक्ति का रूप हम लोग मानते हैं, तो महिलाओं ने माँ दुर्गा और काली का रूप धारण करके इन सभी नरधामी हैं उनकी असली औकात दिखा देने चाहिए और उनको सीधा उनके ऊपर वार करना चाहिए। आज हमको महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो भी बुरी विचारधारा है वो महिलाओं की तरफ आँख उठाने की कोशिश ना करे। फास्ट ट्रैक तो को केंद्र सरकार जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए, जिसके कारण जो भी पीड़ित महिलाएं या बालिकाएं हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और सभी अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की शिक्षा हो, हमारी यही मांग।